मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस वक्त हम मिजवा में हैं और यहाँ मिजवा में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हम लोग करते हैं। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जो मेरे वालिद कैफी आज़मी साहब ने इस्टेब्लिश की थी और उसके बाद उसका काम मैं देख रही हूँ। और हमारे इतने छोटे से गांव में एक क्लोज्ड बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसको इसके पैसे हमको सांसद निधि से फिल्म स्टार रेखा ने दिलवाई थी, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह का काम मुझे लगता है गांव के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे कि मैंने कहा, हमेशा मेरा नज़रिया युवा की तरफ है और स्पोर्ट्स में और खेल कूद में अगर हम अपने नौजवानों को लगाएंगे, मैंने देखा है आज़मगढ़ में ख़ास तौर से दौड़ में, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में और बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को। तो ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अपने युवाओं को एक उम्मीद देते हैं कि वो आगे चल के कुछ बढ़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। और इसलिए लगने में आप सोच सकते हैं कि भाई एक बैडमिंटन कोर्ट से क्या होता है, एक बैडमिंटन कोर्ट से तकदीरें बदलती हैं, लड़कियों की ज़िंदगी बदलती है, उनका लक्ष्य बदलता है और जब उनका लक्ष्य बदलता है तो उनका जहन बदलता है और जब जहन बदलता है तो हिंदुस्तान आगे जाएगा ही, मुझे पूरा विश्वास है।